माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही। नमस्कार, आप एनबीसी 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान लगातार विधानसभा में बीजेपी जो है वो हमलावर है। लगातार तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, उन पर लेकर बर्खास्ती की मांग की जा रही है। लगातार सदन में हंगामा किया जा रहा है। वहीं आज अख्तरुल इमाम AIMMI के विधायक हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों पर सवाल उठाया था और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ है। शिक्षा मंत्री भी कुछ बोले हैं, सुनिए वीडियो में। का समर्थन किया है और स्वीकार किया है। सब पोस्टर ले लीजिए। और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि पिछले विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय के तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी। आप प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ सर कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गई। स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गई है। महोदय, तो आज तक जो अनुदान की राशि नहीं दी गई 6 सालों से, वो शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा? बिहार की शैक्षणिक स्थिति कैसे रहेगी? आप चूड़ी मांगा की, आपने इसकी समीक्षा की गई? आप जगह लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि इस आप शांति बनाए रखिए। अनुदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महोदय ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और ये नई परिपाटी शुरू की गई है। महोदय, ये बात सही है कि जो अरे भाई जनरल को जो आप बोलिए बोलिए। ये बात सही है महोदय कि जो लंबित अनुदान है आप जगह इनको जगह के लिए भी विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सर 6 साल से लोगों को अनुदान नहीं मिलेगी, करेगी ये बता के कब तक करेगी सरकार? करेगी समय बताया जाए कब तक करेगी सरकार? नियमानुसार कार्रवाई करेगी। समय बताया कि कब तक करेगी? भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं सर, शिक्षक भूखे मर रहे हैं। बिंद्राई कॉलेज की हालत अच्छी नहीं है। आप ऐसा हरकत नहीं करें, हालत अच्छी नहीं है, ऐसा हरकत नहीं करें। छह साल तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और बिहार में मानव संसाधन का भी। आपके प्रश्न का जवाब हुआ। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा चल रहा है। इसीलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद फिर से कार्रवाई होगी। क्या कुछ देखने को मिलेगा? इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।